शुरू पार्ट फाइव क्वेश्चन नंबर वन। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, डिफरेंशियल करना है इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का होता है कॉस, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू, अब इस अंदर वाले फंक्शन का किया आपने एक्स की पावर एन से 2x और कॉन्स्टेंट टर्म का जीरो, तो ये क्या हो गया 2x cos x square plus 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, y is equal to cos sin x dy upon dx, पहले इस cos का लगा क्या होगा माइनस साइन, एंगल क्या था साइन एक्स, अब इस साइन एक्स का कर दो इंटू कॉस एक्स, आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई इज इक्वल टू है साइन एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, इस साइन का की लिया कॉस एक्स प्लस बी इंटू, इस एक्स का वन हो गया और बी का कॉन्स्टेंट टर्म में तो जीरो, ए बन जा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर फाइव, फोर आप खुद करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस बी, ये फॉर्म बनी आपकी अंश बटे हर वाली, वाई बराबर मान लीजिए इसे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या रूल बताया था मैंने आपको, नीचे वाले का स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस बी का स्क्वायर, इसको लिखिए कॉस सी एक्स प्लस डी डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर किया आपने कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी इस साइन का करोगे आप कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका किया तो ए इंटू कॉन्स्टेंट था वो बाहर आ गया, माइनस साइन क्या है ए एक्स प्लस बी, कॉस का करोगे माइनस साइन माइनस माइनस प्लस क्या होगा साइन सी एक्स प्लस डी, और जब इस सी एक्स का किया तो यहां पे आ जाएगा इंटू सी, यही आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई बराबर कॉस एक्स की पावर थ्री इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव, फर्स्ट इंटू सेकेंड डीवाई अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स की पावर थ्री डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स की पावर थ्री। ये कॉस एक्स की पावर थ्री, ये टू इधर आ जाएगा, टू साइन एक्स की पावर फाइव। अब इस साइन का अगर आपने कॉस एक्स की पावर फाइव, अब एक्स की पावर फाइव का अगर आप तो फाइव एक्स की पावर फोर प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव, कॉस का करोगे तो माइनस साइन एक्स की पावर थ्री। अब इस एक्स की पावर थ्री का करो थ्री एक्स स्क्वायर। ये अगर आप गौर से देखें तो एक फॉर्मूला बनना है, टू साइन ए टू कॉस टू ए साइन टू ए, कॉन्स्टेंट टर्म ये रही, फाइव एक्स की पावर फोर कॉस एक्स की पावर थ्री साइन टू एक्स की पावर फाइव प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर थ्री साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव, ये ही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट, माइनस साइन रूट एक्स एक्स की पावर एन से इसका करा तो ये एन पावर इधर आ गई, वन अपॉन टू एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस साइन रूट एक्स वन अपॉन टू एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू माइनस साइन रूट एक्स, इस पावर को आप अपॉन करके लिख दो तो ये प्लस की हो जाएगी, वन अपॉन टू रूट एक्स मल्टीप्लाई करो माइनस के साइन रूट एक्स टू रूट एक्स, ये भी आपका आंसर है। आगे देखते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमने एफ वन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक्स की जगह वन पुट करा, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एक्स माइनस एफ वन अपॉन एफ, क्या हो जाएगा ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स की जगह पर ये रख देंगे वन प्लस एक्स माइनस वन, एफ वन तो क्या है आपका जीरो है अपॉन एक्स,
वन से वन कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू जीरो कितना है ये h अपॉन h, h बन जा वैल्यू आ गई वन। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन माइनस एच माइनस वन मोड के एफ वन तो जीरो ही है अपॉन माइनस एच, वन से वन कैंसिल, इसे अगर आप मोड से बाहर लोगे तो ये प्लस का एच ही आएगा, एच बन जा एच, इस माइनस को आप ऊपर ले दे तो ये हो गया माइनस। आपने देखा राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बराबर नहीं है तो आप लिख देंगे अतः एक्स बराबर वन पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 10, वो आप कर लेना एक्सरसाइज कंप्लीट।